इन दिनों एमपी की राजनीति में एक नाम बड़ी तेजी से उभर कर सामने आया है और वो नाम है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर वो खफा हो गई। वहीं प्रदेश प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में सूची भेजकर अपने पसंद के 19 नेताओं के लिए टिकट की डिमांड कर दी। उमा भारती का ये अंदाज कोई नया नहीं है, पहले भी उनके उठाए गए कदम मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के गले की हड्डी बनते रहे। चलिए आपको बताते हैं कब कब उमा भारती ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी की। पहला, जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया। पिछले दिनों चित्रकूट से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा में उमा भारती खुद को नहीं बुलाए जाने से नाराज हो गईं। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि मैंने 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, 2020 के बाय इलेक्शन में बीजेपी मुझसे प्रचार के लिए मिन्नतें कर रही थी, तब मैंने प्रचार किया, 28 में 22 सीटें बीजेपी जीती। दूसरा, राम सबके, किसी का एकाधिकार नहीं। साल 2022 के दिसंबर महीने में उमा ने कहा कि देवता किसी जाति या धर्म से बंधे नहीं हैं, भगवान राम और भगवान हनुमान बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। उनका बयान तब आया जबकि कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा बना था। तीसरा, 19 प्रत्याशियों की सूची। सोशल मीडिया में एक लिस्ट जारी हुई जिसमें उमा भारती का लेटर हेड पर 19 नेताओं का नाम प्रस्तावित किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजे गए इस पत्र में प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर अपने पसंदीदा नेताओं के लिए टिकट की डिमांड की गई। चौथा, शराब नीति के लिए शिवराज सरकार की बुराई। उमा भारती ने जुलाई 2022 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिख दिया। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से एमपी प्रदेश की शराब नीति पर हस्तक्षेप की मांग की। पांचवा, शराब की दुकान पर तोड़फोड़। पिछले साल उमा भारती मध्य प्रदेश में शराब की दुकान बंद करने के लिए कई जगह प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने राजधानी भोपाल की दो शराब दुकानों में पत्थर फेंक कर तोड़फोड़ की। एक मॉल के अहाते में रात में पहुंचकर उन्होंने हंगामा भी मचाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।